गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर की जिला एवं केंद्रीय जेल में कैदियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। और हो भी क्यों ना, गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर की जिला एवं केंद्रीय जेल से 24 कैदियों की रिहाई हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, इंदौर की जिला जेल व केंद्रीय जेल से गणतंत्र दिवस के अवसर पर 24 कैदियों की रिहाई हुई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कैदियों को रिहा किया गया, जिसके बाद झंडा वंदन किया गया। आपको बता दें कि रिहा हुए कैदी कई सालों से जेल में सजा काट रहे थे। इधर मीडिया से चर्चा में सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल राकेश भांगरे ने कहा कि कैदियों का कोरोना टेस्ट कर रिहा करने की कार्रवाई की गई है। जिनके पास जीविका का साधन नहीं है, उसकी व्यवस्था भी की गई है। इसमें कुछ बंदियों ने काम करने की मंशा भी जाहिर की है और सभी बंदियों को कोरोना टेस्ट कराकर रिहा करने की कार्रवाई की गई है। और सबसे बंदियों को पूर्व में भी दो दिन पहले समझाइश दी गई थी कि उनको अच्छा आचरण रखना है और जिन कैदियों के पासगार की व्यवस्था नहीं है, जीवन का साधन नहीं है, उन बंदियों को बताया गया था कि अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पम्प केंद्रीय जेल इंदौर में प्रारंभ होने वाला है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही होना है। तो पेट्रोल पम्प में काम करने के लिए हमने ये नियम बनाए हैं कि जो आजीवन कारावास का बंदी है, जिनसे रिहा हो चुका है और उसका आचरण अच्छा है, ऐसे बंदी को हम रोजगार पेट्रोल पम्प पर दें ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही पेट्रोल पम्प में काम करने के लिए हमने जो हमारे प्रहरी संवर्ग के कर्मचारी हैं, उनके बच्चे यदि काम करना चाहते हैं, उनको भी प्राथमिकता आधार पर उसमें काम दिया जाएगा। तो अभी बंदियों को हमने इस प्रकार समझाइश दी है, तो उसमें से लगभग 3 बंदी ऐसे हैं जो इच्छुक हैं, लेकिन एक बंदी ने पूर्ण सहमति दे दी है कि वो काम करने को तैयार है। अभी 2 व्यक्ति ऐसे हैं, बंदी ऐसे हैं जो असमंजस की स्थिति में है, लेकिन उन्हें अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें हमने बुलाया है कि वो उन्हें हम रोजगार दे सकें। रिहा हुए कैदी गोलू ने बताया कि उन्हें 16 साल की जेल हुई थी, जिसके कारण उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ा। जमीन के विवाद में मर्डर हुआ था। कहाँ पर? माऊ में, रस्सी अड़वानी किशनगंज के अंदर, उसके भाई का 16 साल की 16 पूरी काट दी। प्रार गलती से होता है, तो धर्म से करता नहीं है, हो जाता है, परेशानी आती है परिवार को। क्या समझाइश से अपराध नहीं करना, और क्या अपराध करने से जिंदगी खराब हो जाएगी, वो कुछ भी होना भी। 16 साल परिवार से दूर रहना, परिवार परेशान होता है उसके अंदर, अपन तो करके बड़ी जेल में आते हैं, इसका परिवार कितनी कहत होती है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? काम धंधा है ना, खुद का खुद के बिजनेस है, आपको दिक्कत हो ना काम धंधे के। कुल मिलाकर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के मौके पर 24 कैदियों के चेहरों पर रिहा होने की खुशी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।